हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे कि हम लोग UPI पेमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे कि गूगल पे से पैसा भेजते हैं, फ़ोन पे से पैसा भेजते हैं, अमेजोन से पैसा भेजते हैं। बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशन है जिसे हम लोग पैसा लेन देन करते हैं, और उसी लेन देन करते समय हम लोगों का कभी कभी पैसा कट जाता है और सामने वाले को पास पैसा नहीं जाता है और हमारे अकाउंट से पैसा कट जाता है। तो हम लोग पैसा को कैसे रिटर्न मंगवाएंगे दोस्तों, इस वीडियो में आपको लाइव प्रोसेस जानकारी मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना होगा, तब जाकर के समझ में आए किस प्रकार से हम लोग UPI से पेमेंट करते हैं। उस दौरान हम लोगों का पैसा कभी कभी फंस जाता है, यानी कि फेल हो जाता है और पैसा कट जाता है और हमारे अकाउंट में वापस नहीं आता है। तो हम लोग किस प्रकार से कंप्लेन करेंगे ताकि हम लोगों के अकाउंट में पैसा रिटर्न हो सके, तो इस वीडियो में आपको लाइव प्रोसेस जानकारी मिलने वाला है। वीडियो कंप्लीट देखना होगा, तब जाकर के समझ में आया किस प्रकार से हम लोग पैसा को रिटर्न ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, सर्च बार में आपको टाइप करना है NPCI लिख करके सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए NPCI लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा हम नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे में लिखा हुआ है कंज्यूमर, हम इस पर क्लिक करेंगे। और कंज्यूमर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए UPI कंप्लेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, उसके सामने प्लस का आइकन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस आइकन पर क्लिक किए, यहाँ पे देखिए आपको सेलेक्ट म्यूचुअल टू ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करके आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू मर्जेंट। आप जिसको पेमेंट किए हैं उसका यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है उसके हिसाब से। तो चलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं, और उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट इशू टाइप यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पे अपना इशू को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, आप किस तरह से पेमेंट किए हैं। उसके बाद यहाँ पे कमेंट में लिख देना है, और उसके बाद से यहाँ पे नीचे में ट्रांजेक्शन ID को कॉपी करके यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद से आप लोग यहाँ पे किस बैंक में आप ट्रांसफ़र किए हैं, आपको यहाँ पे बैंक को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको बैंक का नाम आ जाएगा। आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है बैंक का नाम, और उसके बाद से यहाँ पे नीचे में UPI ID डाल दीजिएगा। जैसे कि आप लोग मोबाइल नंबर से भी पैसा भेजते हैं तो आपको UPI ID मिलता है, जब पेमेंट करने के बाद आपको फेल हो जाता है या सक्सेसफुल होता है उसमें आपको UPI ID मिलेगा दोस्तों, उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद से यहाँ पे अमाउंट डाल देना है, आप कितना का पेमेंट किए थे, जो पैसा आपका कट गया है वो अमाउंट यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसे कि आप कब ट्रांजेक्शन किए हुए थे उस डेट को यहाँ पे आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे एक पर्सनल ईमेल ID यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा, और यहाँ पे देखिए चॉइस फाइल लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोग ट्रांजेक्शन किए हैं यानी कि पेमेंट किए हैं किसी को, जो पैसा फंस गया है वो स्क्रीनशॉट उसका लेना होगा, जैसे कि ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट ले करके यहाँ पे चॉइस फाइल पर आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग सबमिट पर क्लिक कर देते हैं, NPCI के पास कंप्लेंट चला जाएगा दोस्तों कि आपका पैसा कट गया है और सामने वाले के अकाउंट में पैसा नहीं गया है, वह पैसा आपके अकाउंट में रिटर्न हो जाएगा दोस्तों। और इसी प्रकार से आप लोग भी कंप्लेंट कर सकते हैं जब भी कोई पैसा आपके अकाउंट से कट जाता है और सामने वाले को अकाउंट में पैसा नहीं जाता है, तो आप लोग इसी प्रकार से कंप्लेन कर सकते हैं और अपने अकाउंट में पैसा वापस ले सकते हैं दोस्तों। 24 घंटे के अंदर में आपके अकाउंट में पैसा रिटर्न हो जाएगा। हमें आशा है कि वीडियो देख करके आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों किस प्रकार से हम लोग UPI से पेमेंट करते समय पैसा कट जाता है, सामने वाले के अकाउंट में पैसा नहीं जाता है। तो हम लोग इसी प्रकार से घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से कंप्लेन कर सकते हैं और पैसा को वापस ले सकते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के बाद मन में कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, हम उस डाउट को जरूर सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।